तो फ्रेंड्स आज हम जा रहे हैं बाना गांव, और बाना गांव से आगे है एक और गांव। हम उस गांव में और उस गांव की स्टडी करेंगे और दिखाएंगे आपको कि उस गांव का कल्चर कैसा है, लोग कैसे रहते हैं, क्या उनका रोज़गार है, तो ये सब हम दिखाएंगे। ये नैनीताल ज़िले में है और आज हम जा रहे हैं उस गांव के अंदर, देखते हैं क्या मिलता है आपके लिए, क्योंकि हम नेचर प्रेमी हैं और नेचर से रिलेटेड ही वीडियो हम डालते हैं। वो जानवरों से भी डर है लेकिन उसके बावजूद भी ये स्कूल जाते हैं, तो भाई मैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन कहूँगा बच्चे को कि हिम्मत है, जानवरों के पीछे होते हुए बच्चे स्कूल जाते हैं। शाबाश बेटा, स्कूल हैं लेकिन यहाँ पर 6 किलोमीटर दूर बच्चों का स्कूल है, और जंगलों से होते हुए जानवर तो हैं ही, यहाँ जानवर भी हैं। यहाँ पे कौन कौन से जानवर हैं? यहाँ उगा सके, क्योंकि किसान के अंदर ये कितनी हिम्मत होती है, वो इन पहाड़ों का सीना चीर करके यहाँ पे सोना उगा सकते हैं, लेकिन सरकार मदद करे तो। पुश्तैनी घर ये हैं, छोटे छोटे घर हैं, और ऊपर इनका रहने का है। आप देखेंगे पत्थरों के बने हुए घर हैं, ये पत्थरों की सीढ़ी बनी हुई है, ऊपर रहने का है और ये नीचे छोटे छोटे। तो फ्रेंड्स गुड आफ्टरनून, मैं आज पहाड़ के अंदर, ये नैनीताल ज़िले के अंदर आता है, ये जंगलिया गांव के पास है, कोई बानना गांव और उस गांव में एक मैं घर के अंदर आया हूँ, और उस घर के अंदर घुसने से पहले मैं दिखा देता हूँ। ये देखेंगे आप नींबू का प्लांटर, काफ़ी नींबू लगे हुए हैं, तो मैं ये दिखाऊँगा यहाँ पे ये लोग कैसे अपना जीवन चला रहे हैं, कैसे इनका रोजी रोटी चलता है, किन किन परेशानी का सामना करते हैं, कैसे रहते हैं ये लोग। और यहाँ पे पुरानी पुरानी, ये देखेंगे ये पानी की टंकी है यहाँ भी हर घर के अंदर, और ये सरकार के द्वारा दी गई है टंकी, सरकार भी काफ़ी मदद करती है। और इनके पुश्तैनी घर ये हैं, छोटे छोटे घर हैं, और ऊपर इनका रहने का है। आप देखेंगे पत्थरों के बने हुए घर हैं, ये पत्थरों की सीढ़ी बनी हुई है, ऊपर रहने का है और ये नीचे छोटे छोटे खिड़की दरवाजे लगे हैं, ये इनके पशु रहते हैं नीचे। ये देखिए ये अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये यहाँ के इनके पुराने टाइप के घर हैं ये, और इनका ये पशुपालन इनका मुख्य जो काम है किसानों का वो है। और मैं इस घर में आ गया हूँ, और ये घर की व्यवस्था देखेंगे काफ़ी, लेकिन समय के साथ साथ काफ़ी विकास हुआ है। यहाँ पे टूटी भी लगी है सर, ये जो टूटी लगी है पानी की, ये सरकार ने लगवाई है, ये आपने पर्सनल? अच्छा, इस टैंक से है ये जो पानी का टैंक है, जो ये जो पानी का टैंक है, देखो भाई ये पानी का टैंक बना हुआ है, ये टैंक सरकार ने मदद करी इसमें, तो भाई सरकार भी पानी के टैंक में मदद करती है, मदद तो काफ़ी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों का जीवन इतना कठिन है यहाँ पे, और वो पूरी मदद यहाँ तक, ये हमारा फ्रेंड्स कह रहे हैं यहाँ तक पूरी मदद पहुँचती भी नहीं है। क्या नहीं करता, तो इन्होंने अपनी व्यवस्थाएँ खुद कर रखी हैं, ठीक है, टैंक सरकार ने दे दिया है, और पानी के लिए फिर इसमें पानी कहाँ से आता, थोड़ा आप बताओ। हाँ, नीचे वहाँ सर अपना परिचय दो पहले। दो मेरा नाम त्रिलोचन शर्मा है। जी जी, हमारा ये नीचे स्रोत है। अच्छा अच्छा, वहीं टैंक बना है, उसी से हमने मोटर डाल के उसी से पानी यहाँ लिफ्ट करते हैं। जगह का नाम क्या है? नाम यहाँ का ग्राम बानना भाषा, पोस्ट ऑफिस बानना, जिला नैनीताल। तो भाई ये जिला नैनीताल बानना गाँव में एक किसान के घर आया हूँ, और किसान की मैंने मजबूरी बताई, और यहाँ पे
व्यवसाय कुछ नहीं है इनका, सिर्फ और सिर्फ कृषि पे टिका हुआ है और सीढ़ी नुमा खेत है यहाँ पे। तो उस खेतों में क्या क्या उपज उगाते हो, क्या क्या लगाते हो? आलू होता है, मटर होती है बरसात के टाइम में। अभी तो जो मटर लगा रखी है बारिश के भरोसे है, बारिश के भरोसे है। पानी तो है नहीं, अगर बारिश हो गई हो जाएगी, बारिश नहीं हो तो नहीं होगी। तो बीज भी गया आपका? बीज भी गया। जौ बो रखे है, जौ भी बारिश के ही भरोसे है। तो भी मतलब ये समझो जो किसान का जो दायित्व है ये निभा रहे हैं, लेकिन ऊपर वाला वो अपना दायित्व कितना निभाता है और कितना इन किसानों की मजबूरी को देख करके इनकी हेल्प करता है वो तो समय बताता है। और समय भी ऊपर वाला नीला आसमान है, बाकी पेट वो सबका भरता है तो इनका भी भरता आया है। लेकिन इनकी उम्मीद सरकार से भी है कि सरकार यहाँ पे कुछ मदद करे, कुछ ट्यूबवेल लगाए। और विशेष करके तो जो यहाँ पे डैम बन रहा है, कौन सा बन रहा है? जमरानी बांध, उसके पास में ये गांव है। तो इन लोगों का कहना यही है कि भाई जमरानी बांध में जो पानी वेस्टेज होकर के बह जाता है, क्यों ना उस पानी को किसानों को दिया जाए ताकि वो इन कंक्रीट के पत्थरों में बड़े बड़े चट्टान है इनके अंदर ये सोना उगा सके। क्योंकि किसान के अंदर ये कितनी हिम्मत होती है वो इन पहाड़ों का सीना चीर करके यहाँ पे सोना उगा सकते हैं, लेकिन सरकार मदद करे तो। और भाई ये पुराना घर आप देखेंगे, पुराने घर में आप देखेंगे ना ये जो छोटे छोटे छेद हैं, ये किस चीज के छेद हैं सर? ये मधुमक्खी के हैं सर, इसमें मधुमक्खियां रहती हैं। मधुमक्खियां, बताना सर कौन से वाले हैं ये? एक ये है, हाँ हाँ, ये मधुमक्खी इसमें जाती है अंदर, हाँ, और अंदर घर बना लेती है। घर बना लेती है। तो भाई ये मधुमक्खी पालन भी करते हैं इनके, ये पुश्तैनी घरों में, पुराने घरों में ये मधुमक्खी पालने का भी सिस्टम है और उसी शहद से ये अपने घर की जरूरतें पूरी कर लेते हैं। और इतना तो नहीं होता होगा जितना मार्केट में बेचने के लिए, मार्केट के लिए नहीं होता, मार्केट के लिए नहीं होता, घर के लिए ही होता है। तो इनके बच्चों के लिए शहद की व्यवस्था। तो भाई इन्होंने अपने आप का अपना जीवन जो है नेचुरल तरीके से, नेचर पे डिपेंड है और नेचर पे डिपेंड रहते हुए आज यहाँ ये खूबसूरत जगह हमें तो खूबसूरत लगती है, लेकिन इन्हें यहाँ खूबसूरती नज़र नहीं आती क्योंकि इनका जीवन कठिनाइयों से गुजर रहा है। इसलिए इनको तो जीना है, इसके सिवा कहीं जाना है नहीं। तो भाई ये हमें तो नेचर अच्छा लग रहा है, लेकिन ये है कि यहाँ पोल्यूशन नहीं है, किसी तरीके की बीमारी नहीं है, शोर शराबा नहीं है, टेंशन नहीं है, थोड़े में गुजारा करने वाले आदमी। और भाई मैं इस घर में छोटे बच्चे हैं जो पढ़ाई करने जाते हैं स्कूल में, मैं उनसे बात कराता हूँ। बेटा तुम्हारा स्कूल कितनी दूर है यहाँ से? 2-3 किलोमीटर। बच्चों को तो ये भी नहीं पता किलोमीटर कितना दूर होता है, लेकिन 2-3 किलोमीटर बताते हैं ये। और इनके पिताजी से बात है, वो कह रहे जी 5-6 किलोमीटर दूर स्कूल है। और नाम बता बेटा अपना। चंद्रा शर्मा। तो चंद्रा शर्मा बेटी है, ये स्कूल जाती है और सरकारी स्कूल है आपका? सरकारी स्कूल है। और स्कूल से क्या क्या मदद मिलती है? कुछ किताबें, ड्रेस मिलती हैं? भाई बच्चों को स्कूल से मदद तो मिलती है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है आपको? यहाँ जानवर वगैरह भी होते हैं यहाँ पे जंगल में, तुम्हारे रास्ते में कभी दिखे हैं तुम्हें? तो बच्चों को जानवरों से भी डर है, लेकिन उसके बावजूद भी ये स्कूल जाते हैं। तो भाई मैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन कहूँगा बच्चे को कि हिम्मत है, जानवरों के बीच से होते हुए बच्चे स्कूल जाते हैं। शाबाश बेटा। देखो यहाँ पे आप शहर के अंदर रहते हैं तो क्या होता है, पानी की टंकी छत पे होती है, यहाँ इनकी ज़मीन पे टंकी बनी हुई है। और आप ये देखेंगे ना लेटरिंग बाथरूम इनका घर से कितनी दूर है। तो भाई सफाई और स्वच्छता का भी ये ध्यान रखते हैं। तो और आजकल का जो शहरी जीवन है, हर घर के अंदर, हर कमरे के अंदर अटैच लेटरिंग बाथरूम है, लेकिन मैंने दिखाया वहाँ पे घर से कम 100 मीटर की दूरी पर इनका लेटरिंग बाथरूम। तो ये स्वच्छता का भी ध्यान रखते हैं। और ये इनका शेर सिंह है, यहाँ पे ज़्यादातर सबके पास इनकी मजबूरी है कुत्ता पालना, क्योंकि ये अलार्म का काम करता है। घर से बाहर का कोई आदमी घर के अंदर आता है तो ये पहले मालिक को सूचित कर देते हैं भौंक करके, शोर मचा करके। लेकिन इनकी भी रक्षा करने के लिए इनको अंधेरा होने से पहले घर के अंदर बच्चों की तरह अंदर इनकी भी केयर करनी पड़ती है, क्योंकि जानवर ज़्यादा है यहाँ पे। चल रहे हैं
तो भाई ये सीढ़ी नुमा खेत है, यहाँ पर ये लोग खेती करते हैं। और सीढ़ी नुमा खेतों में देखेंगे आप छोटे छोटे खेत हैं यहाँ पे, और ये लोग मटर बोते हैं। नीचे कहीं मटर की खेती हुई है ये, और अब इसको उखाड़ करके इसमें दूसरी फसल लेंगे। लेकिन फसल तो तब लेंगे जब इनको पानी मिलेगा। और आप देखेंगे पानी की व्यवस्था, ये देखिए आधा आधा खेत सूखा है, आधे खेत को पानी मिला है। तो इस पानी मिला है इस खेत में क्या तो आदमी क्या किसान गुजारा करेगा। और इस सूखे खेत में ना जाने कब पानी मिले। तो भैया यहाँ की पृष्ठभूमि, ये यहाँ की सिचुएशन। हालांकि नेचर प्रेमी है ये, काफ़ी तितलियाँ हैं काफ़ी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जीव जंतु जानवर काफ़ी हैं यहाँ पे, और खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से। तो नेचर प्रेमी के साथ साथ देखो, नेचर प्रेमी तो अपने आप ही हो जाता है जो लोग नेचर में रहते हैं। और मैं थोड़ा रास्ते में उतरने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये उनके खेत हैं, और ये पतली पाइप पड़ी हुई है ना, इसी से ये सिंचाई करते हैं। और आधा खेत में पानी है, आधा सूखा है, आप देख सकते हैं। तो ये इनकी मजबूरी है, जिस खेत में पानी आ गया उसमें ये लगाएंगे बीज, क्योंकि इनके पास जितनी सामर्थ्य है, जितना पानी है, उससे ये खेती करते हैं। बाकी तो ऊपर जो ये सीढ़ीनुमा खेत हैं, ये प्रकृति के सहारे, भगवान के सहारे छोड़ दिया कि वो कभी बारिश करेगा तो इस घर में अन्न होगा, और इस घर में अन्न होगा तो इनका गुजारा होगा। तो भाई ये है स्टोरी। ये है छोटा कैलाश। छोटा कैलाश, तो छोटा कैलाश क्या है, मतलब कोटे कैलाश में ये टूरिस्ट पैलेस है। इसमें जब ये शिवरात्रि का मेला लगता है उस समय में लाखों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं। लाखों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं, वो भी दो तीन दिन पहले से शुरू हो जाता है। अच्छा, बहुत बड़ा मेला लगता है। और इसमें सर अब दिक्कत ये है कि रोड की आप व्यवस्था आप भी खुद देख रहे हैं, रोड की कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि ये पक्की रोड है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से 6-7 साल पहले बनी है। जी जी। अभी इसमें डामर तो छोड़िए, इसमें पत्थरों का भी कहीं कोई नाम। और ये रोड है, यहाँ से लाखों लोग इस रास्ते से साल में, छोटा कैलाश का रास्ता है ये, लाखों की संख्या में, कई लाखों की संख्या में, मैं भी एक बार आया था, कई लाखों की संख्या में यहाँ पे लोग आते हैं, लेकिन रोड ठीक नहीं लग रहा है। और ये नीचे उतरने का रास्ता, इस तरह का रास्ता है ये, कि ऐसे ऐसे खेत में जाना पड़ता है इनके। तो फ्रेंड्स, आज हम ये बाना गांव में किसान के घर गए। हम गए थे नेचर को देखने कि कितना खूबसूरत नेचर है, और उस नेचर के अंदर हमने देखा है किसान से मुलाकात हुई, और उस किसान ने अपनी मजबूरी बताई। लेकिन कितनी ही मजबूरियों के बावजूद वो लोग खुश हैं, क्योंकि वो नेचर प्रेमी हैं, उन्होंने नेचर को नज़दीक से देखा है, नेचर के अंदर इन्होंने जिया है। तो नेचर में कैसे जिया जाता है वो किसान ने आज हमें बताया। और बगैर किसी मदद के, हालांकि सरकारें किसानों की मदद करती हैं यहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ मदद, कुछ काम ऐसे होते हैं जो आदमी को स्वयं करने पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। नमस्कार।